इस वीडियो को गौर से देखिए, इस वीडियो को गौर से देखिए और मोदी जी को धन्यवाद कहिए। मोदी जी ने आज ये साबित कर दिया, मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आज ये साबित कर दिया कि हमारा देश हिंदुस्तान हमेशा से मजलूमों के साथ खड़ा रहा है। हमारा देश हिंदुस्तान हमेशा से जो लोग लाचार हैं, जो लोग मजबूर हैं, उनके साथ हमेशा से खड़ा हुआ है। इस तस्वीर को देखने के बाद आप एक बार जरूर मोदी जी को धन्यवाद कह दीजिए। आप अगर सोशल मीडिया चलाते हैं, अगर आप फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, तो एक पोस्ट मोदी जी के नाम आज कर दीजिए, क्योंकि मोदी जी ने फलस्तीन के उन तमाम बेसहारा लोगों के लिए हिंदुस्तान से दवाइयां, खाने पीने की चीजें, तमाम राहत की सामग्री फलस्तीन के लिए भेज रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, इसमें क्या लिखा गया है। गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू द फलस्तीन पीपल। मैं फिर से पढ़ के बता रहा हूं इसमें क्या लिखा है, आप देखिए। गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू द फलस्तीन पीपल। चौंकिए मत, ये हकीकत है। अब इस बात को चौंकिए मत, ये हकीकत है। मैं आपको फिर पढ़ के सुनाता हूं। गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू द फलस्तीन पीपल। हिंदुस्तान के लोगों के द्वारा फलस्तीन के लोगों के लिए गिफ्ट भेजा जा रहा है। वहां के लोगों के लिए दवाइयां भेजी जा रही है, वहां के लोगों के लिए खाने पीने की सामग्री भेजी जा रही है। ये हमारा हिंदुस्तान है और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आज इस बात को साबित कर दिया है कि हमारा देश हिंदुस्तान हमेशा से मजलूमों के साथ खड़ा रहा है, हमेशा से मानवता के साथ खड़ा रहा है, हमेशा से इंसानियत के साथ खड़ा रहा है। ये अलग बात है कि इस तस्वीर को देखने के बाद कुछ लोगों को जो है उनको दिक्कत हो सकती है, उनको तकलीफ हो सकती है, तो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि भाई आप जाइए किसी मेडिकल स्टोर में जाइए, वहां पर एक बर्नोल नाम का एक चीज मिलता है दवाई, उसे ले लीजिए। आप बर्नोल का इस्तेमाल कर लीजिए, आपका जो तकलीफ है, आपका जो दुख है, वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि मोदी जी ने जो है जो काम किया है वो वाकई ही काबिले तारीफ है। पूरी दुनिया के लोग जो है वो मोदी जी की तारीफ करेंगे इस बात से, इस काम से, क्योंकि आपको तकलीफ जरूर होगी, लेकिन तकलीफ को थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि मोदी जी ने साबित कर दिया है कि हमारा देश, हमारा मुल्क भारत जो है हमेशा से मजलूमों के साथ खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। और इस बात को उन्होंने बिल्कुल ही कह दिया था पिछले ही दिनों, सैद्धांतिक रूप से हमारा देश जो है शुरू से ही फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और हम भी खड़े हैं। जिस तरह से वहां के राष्ट्रपति से जब मोदी जी की बात हुई, फोन पर मुलाकात हुई उनकी फोन पर, तब ही उन्होंने उनको कह दिया था। अब देखिए क्या लिखा, एक पत्रकार है वो लिखते हैं, भारत सरकार की तरफ से फिलिस्तीन के लिए भेजी जा रही राहत सामग्री, कुछ देर बाद फिलिस्तीन के लिए 6 टन मेडिकल से जुड़ा हुआ सामान व 32 टन आपदा राहत सामग्री लेकर उड़ेगा भारतीय जहाज। भारत सरकार की तरफ से फिलिस्तीन के लिए दवाई, टेंट, पानी, सोने के लिए बिस्तर, बैग और अन्य सामान जहाज में लोड किए गए हैं। भाई आप चौंकिए मत, मोदी जी को जरूर एक बार धन्यवाद कह दीजिए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपने पुराने इतिहास को आज दोहरा दिया है, जिस तरह से हमारे महात्मा गांधी से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, सभी लोग फलस्तीन के साथ खड़े थे, आज मोदी जी भी बिल्कुल ही वैसे ही फलस्तीन के साथ खड़े हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो को देखने के बाद, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए प्राइम अड्डा, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। 3 मिनट हुआ था, 4 मिनट हो गए ना।